नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग एट होम हेयर ग्रोथ ऑयल बनाएंगे जो कि हमारे हेयर फॉल को भी स्टॉप करने में हेल्प करेगा। दिस इज अ 2-in-1 हेयर ग्रोथ ऑयल जो कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में हेल्प करेगा एंड हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। बट द कंडीशन इज आपको ये रेगुलर यूज करना है फॉर 2 मंथ्स एंड देन आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा ऑन योर हेयर, क्योंकि कोई भी चीज का रिजल्ट 1 दिन में 2 दिन में 5 यूज में ऐसा नहीं पता चलता है। कोई भी चीज जब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे तब तक आपको विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेगा। जस्ट लाइक एक्सरसाइज आप 1 दिन 2 दिन यूज करोगे और आप चाहोगे कि आप बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हो जाओ, वो चीज नहीं हो सकता जब तक आप उसको महीनों और सालों तक नहीं करते हो। सेम विद एवरीथिंग इन लाइफ, अगर जो भी चीज अगर आप रेगुलर यूज करोगे, रेगुलर फॉलो करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तभी उसका आपको विजिबल रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो मैं ऐसा पार्ट 2 भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको मार्केट में जो नेचुरल हेयर ऑयल है जो कि मैंने यूज किया है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ से ज्यादा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बिकॉज बहुत लोग होते हैं वो DIY नहीं बना पाते और उसके चक्कर में सोचते हैं कि नेचुरल नहीं चलो कुछ भी, बट अफोर्डेबल ऑप्शन में अगर आपको 100% नेचुरल मार्केट में अवेलेबल है तो उसका भी इन्फॉर्मेशन देना इज माई वर्क। तो इसीलिए आज मैं आपको होममेड DIY वर्जन बता रही हूँ एंड कल के वीडियो में मैं आपको मार्केट का बताऊंगी जो कि मैंने ट्राई एंड टेस्ट किया है, तब मैं आपको वो चीज शो कर रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल्स। ऑयल्स में मैंने बहुत तरह के ऑयल्स लिया। द मोस्ट एसेंशियल ऑयल इज ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड कैस्टर ऑयल। ये 4 ऑयल आपको लेना है। मैंने इसमें लिया अराउंड 1 बाउल ऑफ ऑलिव ऑयल, 1 बाउल ऑफ ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल एंड 1/2 बाउल ऑफ कैस्टर ऑयल। ब्लैक जर्मिशन ऑयल भी मैंने इसमें डाला बिकॉज मेरे पास वो था। आलमंड ऑयल भी मैंने इसमें डाला है एंड ऑल्सो मैंने इसमें कलौंजी ऑयल भी डाला है। जो भी ऑयल मैंने इसमें मिक्स किया सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, सभी ओवरऑल मिलकर के आपके हेयर के हेल्थ को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो जो भी ऑयल्स मैंने इसमें डाला है वो सभी मैंने ऑर्गेनिक कोल प्रोसेस लिया है। मैंने कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस या फिर प्रेजर्वेटिव वाला ऑयल नहीं परचेज किया और मैं वो भी आपको नहीं बोलूंगी परचेज करने में। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप कोकोनट ऑयल इसमें डाल रहे हो बट वो केमिकल वाला कोकोनट ऑयल है, बट वो केमिकल प्रेजर्वेटिव एंड आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाला कोकोनट ऑयल है तो वो आपको कोकोनट ऑयल के रिजल्ट नहीं देगा। बिकॉज सिर्फ नाम रिजल्ट नहीं देता है, वो इंग्रीडियंट रिजल्ट देता है। तो जो भी मैंने ऑयल्स यूज किया है ना सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको आसानी हो एंड आपको पता चले कि कौन सा ऑर्गेनिक है एंड आपको विजिबल रिजल्ट दिखे, आपको अच्छा रिजल्ट मिले। जब तक आप अच्छा प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, जब तक आप अच्छा प्रोडक्ट इंग्रीडियंट यूज नहीं करोगे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो अभी तक आपको रिजल्ट मिल रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, वही आपकी रेगुलर बनी रहेगी और आप बोलोगे कि रेमेडी में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, रेमेडी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है अगर आप इसको रेगुलर फॉलो करते हो तो। बट देयर इज 2 कंडीशन, नेचुरल इंग्रीडियंट्स लेना है एंड सेकेंड कंसिस्टेंट रहना है। एंड मैंने इसमें 2 तरह के सीड्स डाले हैं। फर्स्ट इज फेनुग्रीक सीड्स एंड सेकेंड इज कलौंजी सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स को हम मेथी दाना बोलते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डाला है और 1 चम्मच ही कलौंजी का सीड्स डाला है जिसको हम ब्लैक सीड्स भी बोलते हैं। ये दोनों सीड्स मेरे वन ऑफ द फेवरेट सीड्स है बिकॉज कलौंजी या ब्लैक सीड्स हमारे हेयर के ग्रोथ को प्रमोट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है एंड सेकेंड फेनुग्रीक सीड्स हमारे हेयर को शाइनी बनाने में और हेयर फॉल को रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये दोनों सीड्स आपको लेना है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी नहीं आता है, आपको पास के दुकान में मिल जाएगा या फिर अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हो। और ये सारी को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड डोंट हीट देम बिकॉज बहुत लोग ना हीटिंग की वजह से चीजें यूज नहीं कर पाते हैं। टोटली कैन अंडरस्टैंड बट दिस इज अ मिथ। मैंने हीटेड ऑयल्स, इन्फ्यूज्ड ऑयल्स सालों से यूज किया है एंड मेरे एक भी बाल अभी तक नहीं पके हैं जो कि मैंने सालों से रेगुलरली यूज किया है। तो मेरे 1-2 बाल भी तो पकने चाहिए ना, बट ऐसा नहीं हुआ है। सो दिस इज अ कंप्लीट मिथ। बट द पॉइंट इज हमने यहाँ पे किसी भी तरह का ना वॉटरी टाइप का चीज नहीं लिया है, जैसे अनियन नहीं लिया है या फिर कोई लीव्स नहीं लिया है जिसका हमें वाटर डिहाइड्रेट करने की जरूरत होगी। हमने सिर्फ सीड्स लिया है जो कि ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, इसीलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे फॉर अराउंड 3-4 डेज। ठीक है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जल्दी चाहिए, 1-2 दिन के अंदर चाहिए तो आप इसको सनलाइट में छोड़ देना, इसको सीड्स के साथ किसी बॉटल में डाल करके फिर आप अप्लाई करोगे। यू विल सी द रिजल्ट बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी अमेजिंग हेयर ग्रोथ ऑयल जो कि आपके हेयर फॉल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट द रिजल्ट्स आर स्लो बट वेरी वेरी इफेक्टिव, नो साइड इफेक्ट्स, नथिंग। सो येस, प्लीज आप इसको ट्राई करना है। एंड ऑल्सो Part 2 वीडियो में मैं जो आपको हेयर ऑयल बताऊंगी मार्केट का, वो भी टाइम लेता है, वो भी आपको कम से कम 2 महीने यूज करोगे तब आपको विजिबल डिफरेंस दिखेगा कि आपका हेयर फॉल कितना स्टॉप हुआ है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अगर आपको आज नहीं मन है दिया हेयर ऑयल बनाने का या फिर आपके पास इतने सारे इंग्रीडियंट्स नहीं है तो आप कल के वीडियो का वेट कर लो। कल के वीडियो में मैं अगेन आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एक अच्छा नेचुरल अफोर्डेबल ऑयल बताऊंगी, तो फिर आप
आप वो यूज कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि हर चीज का मैं नेचुरल वेरियंट बताऊँ जो कि आप घर पे कर सकते हो, एंड सेकेंड मार्केट वेरियंट बताऊँ जो कि आप अगर घर पे नहीं करना चाहते हो या फिर आपके पास इतने सारे इंग्रीडियंट्स नहीं है तो सब बेस्ट प्रोडक्ट जो कि नेचुरल है वो मार्केट से ले सकते हो. तो एक ही वीडियो का दो अलग अलग पार्ट रहेगा तो आपके लिए भी ईजी रहेगा एंड मैं भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो येस, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसी तरह के वीडियोज के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड बाय.